अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे, मेहमान बन गए आपकी तारीफ में, क्या कहें आप हमारी जान बन गए, आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। वैसे एक बात कहूं, इतने सीमेंट में कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता? आप भी चलें। अच्छा प्लान बनाया था मैंने, कैसे इस शिबिश में आ गया? कितनी भी कोशिश कर लूं, ये शक्ति को कुछ होता क्यों नहीं है? क्या करूं मैं अब? आप ना हिमालय पर जाकर समाधि ले लो मॉम, और कुछ आपसे होता नहीं है। मुबारक हो, आपका एक और प्लान फ्लॉप हो गया। अरे मैं तो काउंट भूल गया हूँ आपके फ्लॉप प्लान्स की, और आपका नाम ना फ्लॉप क्वीन होना चाहिए, इनफैक्ट सुपर फ्लॉप क्वीन होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी सुपर फ्लॉप है, समझे तुम? और मुझ पर ब्लेम करने से अच्छा है कि तुम सोचो। देखा, देखा ना शिव कैसे उसे गोद में उठाकर लेकर गया? अब अगर शक्ति ने शिव को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? बंद कमरे में शक्ति उसे क्या बकेगी, हमें क्या पता? इसलिए अपना मुंह बंद करो और अपना दिमाग चला, समझे बेवकूफ। शक्ति, 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 क्या हुआ शक्ति को? शिव क्या हुआ शक्ति को? क्या हुआ है इसे? अरे अम्मा, दुनिया गोल है और इसके हर कांड का डबल रोल है। अरे दिन के हर पहर में ना इसे एक नया कांड करना होता है। अब क्या नया नौटंकी कर रही है? नाटक लग रहा है आपको ये? हाल देखा है आपने इसका? पूछा क्या हुआ? पता है आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? आपके परपोते की जान बचा रही थी। कार्तिक खेलते खेलते बाहर रोड पर चला गया था, जहां सीमेंट का काम चल रहा था। उसकी ढाल बनकर खड़ी थी ये। उसे बचाने के लिए पूरा सीमेंट अपने ऊपर ले लिया, लेकिन कार्तिक को खरोच तक नहीं आने दी। अपनी जान को दांव पे लगा के कार्तिक की जान बचाई है इसने। सांसें रुक गई थी उसकी, CPR देके मैं होश में लेकर आया हूं इसे। शिव, इतना सब हो गया हमें? बस, अब मैं शक्ति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आज के बाद इस घर में शक्ति से कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, और अगर करेगा तो पहले मुझसे करेगा। हे भोलेनाथ, हमें तो पहले से इस बात का अंदाजा था कैसा कुछ होने वाला है, और हमें शक नहीं, पूरा भरोसा है कि ये सब मंदिरा ने करवाया है।
बहुत बड़ी बात कह दी शिव ने, पूरा गेम उल्टा पलट गया। अगर ये शक्ति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगा अब तो शक्ति की सारी बातें सुनेगा। शक्ति जो कहना चाहती है ना मॉम, अगर उसने वो कह दिया तो हम लोग कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। तो अब करना क्या है? सुंदरी गीजर ऑन कर। हम ठीक है। तुम चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम, बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम, आराम करने की जरूरत है तुम्हें। कार्तिक भी बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, माँ है ना उसका ख्याल रख लेगी। इस वक्त अटेंशन की जरूरत तुम्हें, कार्तिक को नहीं। शक्ति, सुंदरी ने हमें सब कुछ बताया, तू ठीक तो है ना? कितनी चोट लगी है तुझे? हे भगवान, लगता है इन दोनों बहनों की आग पूरी तरह से भड़की नहीं है, अब भी प्यार बचा हुआ है। अब आग में घी डालना पड़ेगा। हम बिल्कुल ठीक है दी, आपने हमें गले लगाया ना, अब हम बिल्कुल फिट है। गई थी क्या तुम? क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? कुछ हो जाता तो तुझे अगली बार से अगर ऐसी कुछ करना बाजी करने की कोशिश की ना तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। पता कितना डर गए थे हम, फिर जान निकल गई थी हमारे। अगर तुम दोनों का मेल मिलाप हो गया हो तो क्या मैं शक्ति को ऊपर लेकर जाऊं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।